तो उसके बाद आता है अपेंडिक्स, अपेंडिसाइटिस बोलते हैं इसको, अपेंडिक्स बोलते हैं, अपेंडिसाइटिस कॉमन नेम है, जो हर कोई यूज करता है। एक छोटी सी नाड़ी है जो इंटेस्टाइन स्मॉल और बड़ी इंटेस्टाइन के बीच में एक जगह है, वहां से निकलती है। इसका एग्जैक्ट रोल अभी डॉक्टर्स को भी मालूम नहीं है क्या है, लेकिन जब कभी इसमें कुछ चला जाता है और वहां पे इन्फेक्शन हो जाती है तो इट बिकम्स ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि डॉक्टर्स को भी ये पता नहीं चलता। यहाँ पे बहुत बड़ी जजमेंट की थी, यहाँ पे इसको यदि खराब, यदि ये अपेंडिक्स का खतरा है, आंत का दर्द है, तो इसको और कोई चारा नहीं, इसको रिमूव करना पड़ता है, मतलब ऑपरेशन करना पड़ता है। लेकिन डॉक्टर के लिए बड़ी इंटेलिजेंस का ये काम होता है कि ये जज करना कि वेदर द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द अपेंडिक्स। ऐसा तो नहीं कि और प्रॉब्लम हो, उससे पेट पकड़ के बैठा है, जैसे कॉलिक पेन हो गया उससे भी पेट पकड़ता है। और ऐसा तो नहीं कि चीर फाड़ करते निकले वो, तो ये डॉक्टर्स को एक्सपीरियंस से आ जाता है और वो समझ जाते हैं कि ये अपेंडिक्स का है, तब वो इसका ऑपरेशन कर देते हैं। अब इसका कारक का क्या है? सूर्य ही इसका कारक है। इन्फ्लेमेशन तो सैटर्न देता है। इन्फ्लेमेशन की बात ही नहीं कर रहा मैं, तो अभी उसको कारक का बता रहा ओके सर। हूं, वो तो बाद में आएगा ना आगे। सन एंड मून एंड देयर, सन एंड सन बीइंग रूलर ऑफ द अब्डोमिनल रूल्स ओवर दिस आल्सो। अब्डोमेन का रूलर होने के नाते इसको भी सन ही रूल कर रहा है। अफ्लिक्टिंग अफ्लिक्शन ऑफ मून सन एंड देयर रिलेशंस विद द डिजीज अफ्लिक्टिंग हाउसेस साइंस लॉर्ड्स काज अपेंडिक्स। सूर्य चंद्रमा की अफ्लिक्शन और इनका त्रिक हाउसेस के साथ बुरी राशियों के साथ जुड़ा होना अपेंडिक्स की प्रॉब्लम दे सकता है। राहु और मार्स का दिस सीवियर सडन अटैक ऑफ अपेंडिक्स। सर पेज मूव कर दीजिएगा। राहु और मार्स जो है वो अचानक अपेंडिक्स का अटैक देते हैं जब ये अफ्लिक्शन में किसी ऐसे सन को या मून को, कारका को ले लेते हैं या पांचवें घर को ले लेते हैं। एट्थ हाउस अफ्लिक्टेड बाई राहु मार्स विद वीक एंड अफ्लिक्टेड मून एनीवेयर। फिफ्थ और सिक्स हाउस बीइंग हैवली बिटवीन टू स्ट्रॉन्ग मैलिफिक्स अफ्लिक्शंस अफ्लिक्टिंग अफ्लिक्टेड सन अब्लिक मून इन वर्गो स्कॉर्पियो एंड सिक्स हाउस आल्सो अफ्लिक्टेड। जब ऐसे ऐसे चांस बनते हैं तब ये डिजीज होती है, जब मंगल और राहु एट ए टाइम या अकेले अकेले इनमें से दो तीन कंपोनेंट्स को ग्रसित कर लेते हैं, अपने प्रभाव में ले लेते हैं, तो ये सडन प्रॉब्लम आ जाती है।